देवरिया में स्कूटी पर बैठे शख्स को आया हार्ट अटैक। दरोगा सीपीआर देकर ऐसे बचाए जान, देखकर वीडियो तंग रह जाएंगे आप। नमस्कार, केपी न्यूज के विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं पूजा आपके साथ। हार्ट अटैक के मामलों में सीपीआर देना अक्सर जीवन बचाने का काम करता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शनिवार सुबह हुआ, जहां एक सब इंस्पेक्टर एसआई की तत्परता ने एक व्यक्ति की जान बचाई। शनिवार की सुबह लोग पुलिस लाइन के पास स्थित स्टेडियम के बाहर सड़कों पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति स्कूटी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था और जा रहा था, अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वह असंतुलित होकर सड़क पर गिरने लगा। इसी समय मॉर्निंग वॉक कर रहे डायल 112 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने तुरंत स्कूटी सवार को रुकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक व्यक्ति सड़क पर गिर चुका था। बिना समय गवाए एसआई विनोद कुमार सिंह उसकी मदद के लिए दौड़े। सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने तुरंत गिरते व्यक्ति को सीपीआर देना शुरू कर दिया। उन्होंने करीब 5 मिनट तक लगातार सीपीआर किया, जिससे व्यक्ति को होश आ गया। होश में आने पर व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम राम आशीष यादव है और वह लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास का रहने वाला है। होश में आने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सीपीआर का महत्व और बढ़ते कार्डियक अटैक के मामले, डॉक्टरों के अनुसार सीपीआर देना हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक किसी को हार्ट अटैक आने की स्थिति में सीपीआर देना लाइफलाइन साबित होता है और कई बार इससे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। अगर सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने समय रहते सीपीआर नहीं दिया होता तो राम आशीष यादव की जान बचना मुश्किल होता। इस घटना ने यह साबित किया है कि सही समय पर की गई कार्रवाई से जीवन बचाया जा सकता है। न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट।